जाने क्यों मेरी दुनिया ठहर जाए, तू जाए तो जाने क्यों तेरा चेहरा नजर आए। चैनल पे हो सकते हैं ना ऑलराउंडर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड पी हूँ और मोस्ट वेलकम है। और जैसे कि आप लोगों को एडवांस बोल देती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर का वीडियो तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। और ये साल जा रहा है और अचानक मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया कि 2 बजे तक तैयार रेडी रहना और चलते हैं कहीं मंदिर। मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रहा है मंदिर। मंदिर पहुंचते हैं, वहीं मिलते हैं और भगवान जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि 2023 हमारा चला गया है। अभी जो आने वाला है 2024 वो भी अच्छा सा है, तो उसके लिए तो लाइक बनता है ना। तो वीडियो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा और छोड़ के कहीं मत जाइएगा। और क्या बोलते हैं, शेयर जरूर करिएगा, छोटा सा प्यार है सो कमेंट जरूर कर दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए तैयार हो जाते हैं, इंतजार करते हैं, फिर आपको भी लेके चलते हैं मंदिर, ठीक है? तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। आज का दिन है, दिन शुक्रवार और डेट है 22 दिसंबर 2023। तो हम लोग निकल चुके हैं और आगे पापा बैठे हैं और गोलू तो गाड़ी चला रहा है, कि आप जानते हैं वो ई रिक्शा चलाता है। और हम चारों पीछे हैं और यहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा सा तालाब भी बन गया है, तो ये देखिए तालाब भी बहुत अच्छा सा तालाब बना है। पहले ये तालाब नहीं था जब हम लोग ने जिस समय मतलब आए थे, मतलब बहुत साल पहले ये तालाब अभी शायद बना है। और इतनी पक्की रोडें भी नहीं थी, बहुत कच्ची थी ना, और बहुत कीचड़ जब हम लोग गए थे ना, बहुत बारिश में गए थे तो बहुत कीचड़ भी था। और ऐसा कुछ दुकानें भी वहाँ पे लगी थी शायद। बहुत अच्छा, अभी काफ़ी अच्छा सा मतलब कर दिया गया है और बहुत अच्छा मंदिर है, श्रद्धा वाला मंदिर है, शंकर जी का है प्रसिद्ध, मतलब शंकर जी का ही बोलते हैं। तो चलिए हम आपको अपने साथ दर्शन कराते हैं। यहाँ पापा चल रहे हैं और भाभी है, आयुष है, पीयूष है और गोलू तो मंदिर में नहीं कहते, गोलू भी है लेकिन कह रहे वो तालाब में अपना तालाब में घूम रहा था तालाब की तरफ। और यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और आप जानते हैं मैं जहाँ जाती हूँ मास्क ज़रूर लगाती हूँ, ठंडी में तो मास्क वैसे भी फ़ायदेमंद है। और कहते हैं कोरोना फिर से शुरू होने वाला है, तो कोरोना आ गया है तो भाई कोरोना आने का इंतज़ार मत करो, मास्क पहले से लगाओ, क्योंकि मेरी तो आदत में है अगर आप लोग ने छोड़ दिया है तो लगाना स्टार्ट कर दो, क्या फ़ायदा जल्दी से फिर से लगाना पड़े, तो लगाना स्टार्ट कर दो, सर्दी की बचत भी होती है। और ये हमारे नंदी बाबा हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे नंदी भगवान के और चलते हैं अब भोले बाबा के दर्शन करते हैं। तो भोले बाबा के हमारे प्यारे से भोले बाबा जी बैठे हैं एकदम भोले, यहाँ पर मैं दूध चढ़ा रही हूँ। और मंदिर में आके कोई भी मंदिर छोटा हो या बड़ा हो या कहीं भी जाओ, एक अच्छी सी नहीं फीलिंग आती, बहुत अच्छी सी मन को शांति मिलती है, तो मंदिर जाना भी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। और जाना क्या चाहिए, जहाँ बुलावा आता वहीं इंसान जाता है। ये क्योंकि मैं तो बहुत साल बाद इस मंदिर में गई हूँ, शायद मुझे याद भी नहीं है, क्या बताऊँ मैं, मुझे अगर मैं बताऊँ तो 15-16 साल हो रहा होगा तब मैं तब से लेकर अब गई हूँ इस मंदिर में। तो बहुत प्राचीन वाकई ये 100-150 साल पुराना मंदिर है, मतलब अभी बना है नया, तो वो तो नया नया लग रहा है लेकिन तो निर्माण होता रहता है ना, किस चीज़ की वो रखी जाती है। तो ये ना इतने साल पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। यहाँ पर मैंने दर्शन कर लिए हैं, भाभी भी चढ़ा रही है और देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर बना हुआ है, ये मंदिर की डिज़ाइन कितनी अच्छी है। और यहाँ पर हमारे राधा और कृष्ण जी ने भी स्वेटर और साल और टोपा लगा के, क्योंकि ठंड है भाई, भगवान जी को भी ठंड लगती है तो स्वेटर वगैरह पहनना चाहिए। और यहाँ नंदी जी को भी हम लोगों ने फूल और वगैरह धतूरा वगैरह चढ़ा दिए, यहाँ आयुष ने भी चढ़ा दिए, आयुष पीयूष सब चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे लक्ष्मण, गणेश और सीता मैया, और यहाँ हमारी दुर्गा मैया, और यहाँ हमारे हनुमान जी है। दर्शन करते जाइए आप लोग भी। और यहाँ मैंने सबको टीका लगाया, आप देख सकते यहाँ मैं टीका लगा रही हूँ सभी को, आई उसने बाबा को लगाया, मैंने हम दोनों ने एक दूसरे को लगाया, बाकी बच्चों को भी लगा दिया था टीका।
यहाँ टीका लगाने वाले बाबा जी नहीं थे और आरती का भी समय हो रहा था, शायद 8:30 बजे आरती होती, लेकिन हम लोग को जल्दी निकलना था हम लोग दर्शन। उस दिन का मतलब 22 तारीख को ना ठंड, 21 तारीख से ठंड की शुरुआत हुई है और बहुत ठंड हुई है कानपुर में। आप लोग अगर कानपुर से समझ जान रहे होगा कि 21 तारीख या 22 तारीख से ठंडी की शुरुआत अच्छे से हुई है। अभी तक तो इतनी अच्छी कड़ाके वाली ठंडी नहीं पड़ी है, आधा दिसंबर निकल गया है तब शुरुआत हुई है। और देखिए कितना प्यारा मंदिर है, व्यू देखिए बाहर का कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अभी तो ये बना है, जब हम आए थे तो ये सब कच्ची रोड थी, ये छोटा सा मंदिर है, गाँव आता है और बगला वगैरह भी है। अब हम निकलते हैं चलते हैं और ये रात में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लाइट वगैरह झील में जल रही है, मतलब ये जो क्या कहते हैं तालाब में, और आते समय भी व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। ये रोड पर मंदिर नहीं है, ये एक मंदिर रोड पर निकला लेकिन मतलब बाहर बाहर है और हम इसके ऊपर क्या बोलते हैं जाकर पुल के ऊपर से जाकर घर के लिए निकलते हैं, घर पे चल कर ही आपसे मिलते हैं। तो इसलिए अंदर है तो इसलिए उस मंदिर को कोई जानता नहीं अंदर में है ना, मंदिर का नाम मैं भूल गई हूँ। तो गाइस हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, भैया भाभी जा चुके हैं और मुझे छोड़ के मतलब चले गए। और हम लोगों ने मतलब यहाँ पे मंदिर गई थी ना, वो मंदिर बहुत पुराना है और मैं जब नई नई न्यू मैरिड हुई थी, जस्ट मैरिड, तो हमारी वहाँ पे शादी में हम उस मतलब शादी न्यू मैरिड में हम लोग गए थे उस मंदिर में दर्शन करने। वो पूरा जाना माना मंदिर है मेरा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, नाम नहीं मालूम था। और मैं मंदिर जा चुकी हूँ, बहुत श्रद्धा वाला मंदिर है, तो प्लीज़ आप लोग भी जाइएगा। आप लोग को अगर आप कानपुर से तो ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है। और वीडियो पसंद आया, जितना सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक तो बनता ना, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और फिर से एक बार एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। और जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए। ओके फैमिली, लव यू, बाय बाय।